रुख करेंगे खबरों का। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ऑफिस में अफसर करीब दो घंटे से पूछताछ कर रहे हैं। जहां अंदर राहुल गांधी अफसरों के सवाल के जवाब दे रहे हैं, वहीं ईडी कार्यालय के बाहर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल के साथ पैदल मार्च करके कांग्रेस मुख्यालय से निकले कांग्रेस नेताओं को 1 किलोमीटर पहले रोक लिया गया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धरना दे रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है और तुगलक रोड थाने में बैठा दिया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पुनिया, गौरव गोगोई, मीनाक्षी नटराजन सहित कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें सेंट्रल दिल्ली से बस में बैठाकर इन नेताओं को दूर ले जाया गया। इधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तुगलक रोड थाने के SHO को पत्र देकर पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं प्रियंका गांधी इन नेताओं से मिलने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंची हैं।